नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो पूरे विश्व का पहले नंबर का सच्चाई के साथ जाना जाने वाला यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर दुनिया का पर्दाफाश किया जाता है और सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। नहीं मालूम तो सब्सक्राइब कर लेना। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि अभिषेक क्लासेस की आखिर सच्चाई क्या है। सब्सक्राइब देखकर घबरा जाते हैं, कम सब्सक्राइबर है क्या होगा, इस चीज का आप अंदाजा लगाइए। कितने से कम समय में अच्छी खासी अभिषेक क्लासेस का जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका भरोसेमंद चैनल हो चुका है। प्रिय दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर बिना वक्त गवाए यहाँ पर हम आपका कीमती समय है बर्बाद नहीं करेंगे। आर एस एम एस एस बी की बात कर रहा हूँ, एल डी सी की। भाई साहब, नई भर्ती आने वाली है एलडीसी, आपको मालूम है ना? नहीं मालूम तो सुन लीजिए। पदों के बारे में प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, राजस्थान का युवा एलडीसी का सपना देख रहा है, लेकिन पदों के बारे में जब वो सोचता है कितने पदों पर भर्ती आएगी ये एलडीसी की नई, तो कंफ्यूज में है। भाई साहब, कुछ दिनों पहले, 10-12 दिनों पहले की बात कर बता रहा हूं आपको, एक अखबार है, अखबार में आपको दिखाया गया है कि एलडीसी के 13,000 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती होने वाली है। लेकिन हाल ही में उपेन यादव के आप ट्विटर पर जाना, उपेन यादव बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, ये बेरोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं। इनके द्वारा ट्विटर पर दे रखा है कि 5500 पदों पर एलडीसी का कुछ हलचल होने वाला है, एलडीसी के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। भाई साहब, आजकल का अगर अखबार नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, आपको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा, मैसेज कर देना, ये पेपर कटिंग ठीक है। 15,000 पदों पर भर्ती होगी एलडीसी की, क्या कर रहे हो यार? 13,000 पर होगी, 5500 पर होगी या फिर 15,000 पर होगी? बुरी तरीके से कंफ्यूज है। आखिर किस पर भरोसा करे, कौन से पर भरोसा करें, कितने पदों पर एलडीसी की नई भर्ती आएगी? देखिए, भरोसे की अगर बात करूं तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर भरोसा ही करना है तो अपने माता पिता पर करना है, माता पिता के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। एंड दूसरे नंबर पर आपको भरोसा करना है अभिषेक क्लासेस पर। अभिषेक क्लासेस पर जो जानकारियां दी जाती है, फैक्ट दी जाती है, क्या फर्क पड़ता है 5500 पर आ जाए, 13,000 पर आ जाए, 15,000 पर आ जाए? हमें तो एक सीट चाहिए, हमें 15,000 से क्या मतलब है? तुम एक हो क्या 15,000 हो? आप में से 15,000 बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना, रावण थोड़ी हो आपके 10 सिर है, आपके एक ही सिर दिया है ना भगवान ने, तो एक सीट लेनी है। पर इस तरीके की कंफ्यूज में क्यों आ रहे हो? आ जाएगी जब आएगी, जब कितने पदों पर आएगी, ठीक है। अब तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से हमें एलडीसी बनना है, हमें एक सीट कैसे लेनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने पदों पर आएगी। लेकिन फिर भी आपको जानना है तो बता रहा हूँ, एक मिनट की सब्र रख लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब आएगा कोई पता ही नहीं है। भाई साहब, बार बार बता तो रहे हैं कि इतने इतने पदों पर भर्ती निकलने वाली है, विज्ञप्ति जारी होने वाली है, लेकिन उसका कोई एंड भी तो होगा, कब जारी होगी अभी बता रहा हूँ। एंड काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे हैं, सर योग्यता क्या रहेगी, क्या इस बार जब एलडीसी की नई विज्ञप्ति जारी होगी उसमें एलिजिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक योग्यता में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। प्रिय दोस्तों, 12वीं कर ली है आपने और 12वीं के साथ RSCIT कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले रखा है तो वही इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, घबराइएगा नहीं, ठीक है। 12वीं के साथ RSCIT कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। एंड अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए दोस्तों, एलडीसी अगर बनना है आपको तो उससे पहले
मैंने बताया भी है आपको वीडियो में कि एक नदी आ गई है, उस नदी का नाम है सीईटी। सीईटी की एग्जाम्स को क्रैक करना होगा तब जाकर ही आप एलडीसी बनोगे भाई साहब। अब एलडीसी को भूल जाइए थोड़े दिन, अब आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। इधर दीजिए ध्यान, सीईटी की तैयारी करें तभी एलडीसी बनोगे भाई साहब। सीईटी लागू कर दी है एलडीसी में, इसलिए तैयारी अब सीईटी की करनी है। जल्द से जल्द आपका सीईटी का जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 15 अगस्त के ठीक कुछ दिन बाद ही सीईटी का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें आप एग्जाम पैटर्न देख सकोगे, सीईटी में कितना नंबर का पेपर रहेगा, क्या कुछ रहेगा। नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपका बड़ा छोटा भाई जो है आपके मोबाइल फोन पर आपको सूचित कर देगा, लेकिन सूचित तभी कर पाऊंगा। आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जो घंटी होती है ना उसको प्रेस करना होगा। उससे क्या होता है, उससे जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए जानकारी उपलब्ध करवाऊं वो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए, इसलिए भरोसा तो कीजिए। ठीक है, बिना भरोसे के तो कुछ काम ही नहीं चलेगा, किसी न किसी पर भरोसा तो करना पड़ेगा ही। एंड जो है 15 अगस्त के बाद ही जो है सीईटी का आपका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी कि बात करूं एलडीसी के नोटिफिकेशन की, भाई साहब आपका मंथ पूरा चले जाएगा सितंबर में, आपका 100% कह रहा हूं सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी से क्लासेस पर बने रहिए। महत्वपूर्ण जानकारियां थी पदों के बारे में, विद्यार्थी कंफ्यूज थे, लेकिन हाँ मैं चाहता हूं, मेरा खुद का यहाँ पर रिव्यू है, कम से कम भाई साहब 11,000 की बात कर रहा हूं, 11,000 से ज्यादा पद होने चाहिए इस एलडीसी की नई विज्ञप्ति में, तब ही मजा आएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपकी क्या राय है, क्या आपको 5,500 ही पद चाहिए या फिर 11,000 से अधिक चाहिए, कमेंट्स कर देना। मेरे ख्याल से तो जितने अधिक पद होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। एंड इसमें लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, महासंग्राम होता है प्रिय दोस्तों। लेकिन बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, यहाँ पर इस महासंग्राम को कैसे जो है जीतना है, किस प्रकार से इसको फाइट करना है मैं आपको तकनीक बताऊंगा। लेकिन आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, आ जाइए इंस्टाग्राम पर, आपके वहां पर सवाल होंगे, मेरा जवाब होगा। कोई भी समस्या है बेझिझक जो है आप जो है कमेंट्स कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।